चर्चा की, लेकिन रमन मलिक और हिमांशु भट्ट दोनों मेरे साथ मौजूद रहेंगे, आगे बात करेंगे एक बड़े विषय की, और वो विषय है, वो मुद्दा है अग्निवीर। ২০২৪ के लोकसभा के परिणामों ने बीजेपी को झुलसा कर दिया। उसके पीछे का एक कारण अग्निवीर की अग्नि थी। इस अग्नि में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने घी डालने का काम किया। बीजेपी के रणनीतिकार भी ये मान रहे थे कि युवाओं की नाराजगी का एक कारण अग्निवीर योजना थी, जिसका असर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में देखने को मिला। अग्निवीर योजना के असर को भांपते हुए सरकार अब इसी मसले पर एक बड़ी बैठक करने जा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि अग्निवीर योजना के नियमों में सरकार एक बड़ा परिवर्तन कर सकती है और युवाओं की नाराजगी को खत्म करने का एक संकेत दे सकती है। अग्निवीर योजना के इर्द गिर्द कुछ सवाल हमने देश के लोगों से पूछे और लोगों ने उन पर अपनी राय भी दी है। लोगों ने क्या कहा आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी ने दो तरीके के शहीद बनाए हैं, इनको विकास मार्ग कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अग्निवीर योजना का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसमें कई खामियां गिनाई। अब जब एनडीए की तीसरी बार सरकार बन गई है तो मोदी सरकार इस योजना में सुधारों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द अग्निपथ योजना की हर कमी को दूर करना चाहती है। इसके लिए बाकायदा 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को इसकी समीक्षा का काम सौंपा गया है। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के नेता यहां अग्निवीर योजना में सुधार की बात करते रहे हैं। अग्निवीर योजना में होगा बदलाव, भारतीय सेना भी अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव चाहती है। सेना ने बाकायदा इस योजना को लेकर इंटरनल सर्वे भी करवाया है। सूत्रों के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए ने तीनों सेनाओं से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। अग्निवीर योजना में होगा बदलाव, सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना अग्निवीर योजना के तहत सेवा की अवधि को मौजूदा 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करना चाहती है। अग्निवीरों की उम्र सीमा को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल 17 से 21.5 साल के बीच अग्निवीरों को रखा जाता है। सेना एज लिमिट को बढ़ाकर 23 साल करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा ज्यादा भर्ती करने और 25% रिटेंशन की सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, यानी 4 साल की सेवा समाप्ति के बाद भी 60% से 70% अग्निवीरों को सेवा में बरकरार रखा जाएगा। ट्रेनिंग या ड्यूटी के दौरान किसी अग्निवीर के मौत या घायल होने की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता देने पर भी विचार किया जा रहा है। अग्निवीर पर जल्द ही मोदी के सामने रिपोर्ट पेश होगी और फिर बड़े बदलाव का ऐलान लगभग तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी योजना को लेकर कई सारे सवाल हमने लोगों से पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है, और उन सवालों में पहला सवाल कि क्या केंद्र सरकार को सेना की अग्निवीर योजना भर्ती योजना में बदलाव करना चाहिए। 81% लोगों ने कहा हाँ करना चाहिए, 18% लोगों ने कहा नहीं करना चाहिए, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहिए। रमन मलिक बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवाज साहब हैं रक्षा विशेषज्ञ, और हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा रमन मलिक साहब से। रमन साहब, एक योजना पर लेकर आए, विरोध उस वक्त भी हुआ, सवाल उस वक्त भी उठाए गए, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। क्या माना जाए कि केंद्र सरकार अब इस योजना में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है? मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकार की एक पॉलिसी रही है जो कि कभी भी कांग्रेस अपना नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस के पास एक
विजन था कि एको अहम द्वितीय न कोई, आई एम राइट, नोबडी एल्स कैन बी इक्वल टू मी, हम सुपीरियर हैं। हमारी पॉलिसी हर बड़े कानून के साथ, जीएसटी में भी देखेंगे, दूसरी जगह भी देखेंगे, हमने अपने आप को फ्लेक्सिबल और डायनामिक रखा जिस तरीके की जरूरत होती है और देश जिस तरीके की चीजों को चाहता है, हमारे को उसको एक्सेप्ट करते हुए और उसके अनुरूप अपने आप को और एडमिनिस्ट्रेशन को ढालते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होती। हमारा एक विजन है, हमने उसके हिसाब से लॉ बनाया, 140 करोड़ लोगों का देश है, उस देश के अंदर लोगों की मत होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जब एक चीज का एनालिसिस करा जाता है, उस एनालिसिस में अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो रेक्टिफाई करना भी ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी की पहचान है, एक मैच्योर लीडरशिप की पहचान है। अनुमाचार आपको एक चीज, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा पांच सेकेंड और। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ, अंडर द कांग्रेस रिजीम आपको याद होगा 71 की वॉर के बाद OROP को जिस तरीके से खारिज करा गया और स्ट्रॉन्ग हैंडेड काम करा गया और कंटिन्यूस उस मांग को सेना मांगती रही और नहीं दिया गया, ये दर्शाता है कि वो ब्यूरोक्रेसी और कांग्रेस की लीडरशिप ये चाहती थी कि। अनुमाचार्य हमारे साथ मौजूद है, अनुमा जी जवाब। आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, अपनी पथ योजना आपके जितना भी समझ में आएगा, मैं टेक्निकलिटीज ये बता रही हूँ कि चाहे आप उसको कोई परिवर्तन करिए, जो लोग हैं जो उसमें आएंगे उनको पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें एक सर्विस में नहीं कहा जाएगा, तो इस सेना को पूरी तरह से, इस योजना को पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और जो पुरानी भर्ती योजना थी उसको चालू होना चाहिए। सेनाएं एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं है, सेनाएं गिनी पिग नहीं है, पायलट प्रोजेक्ट किया नहीं गया था। मनोज नरवाने सर का कहना था कि ये सेना के लिए एक सरप्राइज था और आर्मी और एयरफोर्स के, तो मैं अभी जी अनमा की आवाज चली गई है। अब सर्वे का अगला सवाल ले लेते हैं कि आप अग्निवीर योजना में सर्विस की मियाद में क्या बदलाव चाहते हैं? 6% लोगों ने कहा 8 साल का कार्यकाल होना चाहिए, 16% लोगों ने कहा 10 साल का कार्यकाल होना चाहिए, 61% लोग यानी कि 61% लोगों ने कहा परमानेंट नौकरी दी जानी चाहिए और 16% लोग मान रहे थे कि मौजूदा 4 साल सही, 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिवाज साहब क्या कहेंगे? और देखो, सच्चाई ये है कि मैं पहले एक बार ये बताने की कोशिश करूंगा, ये जो अग्निपथ स्कीम आई थी ये आई क्यों थी? देखो, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी उसके बाद ये देखा गया था कि उसके अंदर हमें कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, लेसन चाहिए। एक सुब्रमण्यम कमेटी, उसकी दो मेन रिकमेंडेशन थी कि फौज की जो मेन एवरेज एज है वो 32 साल है जवानों की, और पहाड़ों में जो वो थोड़ी सी ज्यादा होती है उसको कम किया जाए, और दूसरी ये थी कि जो आपका पेंशन और पे में पैसा ज्यादा लग जाता है, जिसको आपका एक प्रकार से जो बजट है उसके अंदर कैपिटल बहुत कम रह जाता है, जो मॉडर्नाइजेशन के रेवेन्यू में पैसा चला जाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी कि भाई इसको दोनों बातें होंगी, अगर ये अग्निवीर की भर्ती होगी तो अगले 10 साल में 4 से 5 साल की उम्र कम हो जाएगी मिनिमम, और जो एवरेज एज है जवानों की, और दूसरी बात है क्योंकि 4 साल के बाद 25% ही रिटेन होंगे और 75% चले जाएंगे, तो फिर जो कैपिटल फंड है वो भी बढ़ेगा और मॉडर्नाइजेशन के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर सकते जी। मगर ये भी सच्चाई है, इसके अंदर खामियां हैं जैसे आपने बताया पॉइंट, और मुझे लगता है मेरे जो तजुर्बा है और जो मेरी डिस्कशन हो रही गवर्नमेंट से भी बातचीत, गवर्नमेंट बड़ा पॉजिटिव माइंड से सोच रही है और वो बदलाव करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल कहा भी जा रहा है कि एक बड़ी बैठक होने वाली है, कई सारे बिंदु हैं, इस पर सरकार परिवर्तन करने वाली है। ये एक मिनट बताने, तो कौन कौन सी है? एक तो ये है कि 25% से मिनिमम 50% हो, 4 साल की बजाय करीब करीब कम से कम 7 साल हो। तीसरा पॉइंट ये है जो गवर्नमेंट मान चुकी है, लगता है कि जो अग्निवीर 4 साल में लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो जाते हैं या डिसेबिलिटी हो जाते हैं,
तो वो एक रेगुलर सोल्जर की लिए के साथ जैसा उनको भी एक फैमिली पेंशन मिले, लिबराइज पे मिले और बाकी उसको शहीद का दर्जा मिले। चौथा बड़ा मेन पॉइंट है, चौथा मेन पॉइंट सुन ले कि ये जो अगर मान लो 50% जो परमानेंट हो जाते, जो 50% है उनको आप CAPF में लें, चाहे वो CRPF, BSF, ITBPC और आपका जो कोस्टल गार्ड, क्योंकि ये लोग ट्रेन पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या राज्यों में जो तमाम भर्तियां हो रही हैं उसमें उनको प्राथमिकता उस तरीके से मिलनी चाहिए। एक और सवाल जो सर्वे का हमने लोगों से पूछा कि क्या अग्निवीर योजना के रिटेंशन कोटे में बदलाव चाहते हैं, 25% लोगों ने कहा मौजूदा, 17% लोगों ने कहा रिटेंशन सही है और इसके साथ साथ 40% लोगों ने कहा कि साहब 50% रिटेंशन हो और कुछ लोग कह रहे थे कि 75% रिटेंशन होना चाहिए और कुछ लोगों का कहना था कि 35% होना चाहिए। 8% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूँ, वो सवाल भी महत्वपूर्ण है और सर्वे का वो सवाल है कि क्या ड्यूटी के दौरान जान कुर्बान करने वाले अग्निवीरों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। 98% लोग यानी कि 98% लोग कह रहे थे कि हाँ मिलना चाहिए, मात्र 2% लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु साहब, खामियां तो हैं। देखिए, अगर देश के लिए जान कुर्बान करता है उसे शहीद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे जी, कोई माने या न माने वो तो शहीद है और शहीद कहे ही जाने चाहिए। कोई सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, मैं तो सबसे ज्यादा ये मानता हूँ कि हाँ इसमें बदलाव होने चाहिए, ये सब टेक्निकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हमें, वो सब बराबर है, मगर मेरा तो प्रश्न ये है कि ऐसी चीजों के लिए दो प्रकार के नरेटिव, काउंटर नरेटिव, हाफ करेक्ट नरेटिव, फॉल्स नरेटिव, ये क्यों चले जा रहे हैं? कोई राजकीय नेता होता कौन है जो कहे कि अगर आप शहीद हो गए तो आपको शहीद नहीं कहे जाएंगे? मेरा तो सवाल ये है कि कोई भी राजकीय नेता XYZ, BJP, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, anyone for that matter, देश के सुरक्षा दलों की बात आती है, जो सुरक्षा के लिए खड़ा होता है उसके लिए आप बात ही कैसे कर सकते हैं? और ये अग्निवीर वाला ये जवान जवान नहीं है और वो जवान जवान है, अब ये एक बड़ा संकेत है। अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद है। अनुमा जी, क्या कहेंगे? समझना नहीं चाहते। मैं एक बात बहुत साफ तौर पे कहना चाहूंगी, आज वो दिन आ गया है कि सेना जिसके बारे में सड़क पे चर्चा हो रही है, शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को कि सेना क्या सड़क पे चर्चा की चीज है? आपने ऐसा प्रयोग किया, कोई गिनी पिग है क्या आर्म फोर्सेस? क्या किया ये आपने? कोई भी आप प्रयोग करेंगे इसके ऊपर और सड़क पे चर्चा होगी आर्म फोर्सेस के बारे में? अरे इतना शर्मिंदा तो कभी किसी सरकार ने नहीं किया। चुप करना चाहिए जिन लोगों ने इस सेना की स्कीम को लेकर आए और जबरदस्ती हमारे सैनिकों को, हमारी सेनाओं को गली गली के सर्वे का विषय बना दिया। ये तो बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये फालतू फंड में एक उठा के स्टार्टअप नेशन नाम की इजरायली किताब की नकल करने की कोशिश है। हमारे देश की सरकार को इजराइल से कुछ ज्यादा ही प्यार है। उस किताब के साथ इन्होंने करके 70 लाख का मॉडल 140 करोड़ के देश पर डाला और अब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। पहले पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? सेना के तीनों अध्यक्षों से क्यों नहीं पूछा? उनको दबाव जी रमन साहब, आपकी बात पे रमन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले सर्वे का पांचवा सवाल ले लेते हैं। और सर्वे का पांचवा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से पुलिस विभाग में अग्निवीर जैसी भर्ती वाली चिट्ठी वायरल है, आपकी प्रतिक्रिया? 31% लोगों ने कहा भर्ती प्रक्रिया गलत है, 23% लोगों ने कहा नौकरी का सही विकल्प है, 26% लोगों ने कहा भविष्य में इस पर विचार होना चाहिए और 20% लोग कहते हैं कि हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते। रमन साहब, दोनों सवाल, इस सवाल का जवाब भी और अनुमा जो बोल रही थी उस पर आपकी प्रतिक्रिया। जो लोग आर्मी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर, उनके करे गए शौर्यों के ऊपर सबूत मांगते हैं, वो इतनी जोर जोर से छाती पे अच्छा नहीं लगता। ना ही वो लोग जो बिपिन राजवत जी जैसे एक वरिष्ठ सैनिक को, और ऐसे सैनिक को जिसको लद्दाख के अंदर मैंने खुद अपनी आंख से देखा कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद एक मॉनेस्ट्री के अंदर लद्दाख में उनके चित्र के साथ उनकी कुर्सी बिठाई हुई है, ऐसे व्यक्तित्व को
सड़क का गुंडा गली का गुंडा कहने वाली कांग्रेस आज पाठ पढ़ाने जाती है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चलिए उस बात पे मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा विषय आप यूपी का उठा रहे हैं, इस विषय को मैंने पूरी तरह से स्टडी नहीं करा हुआ, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है ये इस प्रकार कोई चर्चा है, लेकिन क्या है पूरा इसका मैं अभी विवरण नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँ। जी जी, मैं सहबाज साहब मेरे साथ मौजूद है। सहबाज साहब, हनुमान जी ने एक बात कही कि आपको सेना के साथ इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए, और ये बात कहा जाता है साफ तौर पर कि हथियार होते हैं सेना के पास, लेकिन हथियारों से ज्यादा सेना के जवानों का मनोबल वो उसे युद्ध के मैदान में जिताता है, और अगर इस तरह के प्रयोग होंगे तो आप मानते हैं कि मनोबल गिरता है जवानों का? हाँ बिल्कुल, देखो एक बात समझना चाहिए कि मैंने बताया था इस अग्निपथ स्कीम की इंटेंशन बहुत ठीक थी, वो चाहते थे कि एवरेज एज कम हो और मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा बचे, मगर ये सच्चाई है इसको एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर चलो चार साल तक बदली करते थे, इसीलिए गवर्नमेंट पॉजिटिव है चेंज करने और होने चाहिए चेंज। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट भी इसके लिए पॉजिटिव है। आपने दो तीन चेंजेस बोल रहे थे, मैंने दो और रह गए थे वो सुने हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसको चार साल तक आप पॉलिट प्रोजेक्ट माने। अगले ही दूसरा इशू है आपका जो कुछ एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसमें नाम नमक निशान जो कि कास्ट क्लास और आपके रीजन पे डिपेंडेंट है, जैसे जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, ये नाम नमक निशान पे चलती हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री है, इथोज है, इनको बरकरार रखें, उनमें ऑल इंडिया ऑल क्लास ना लाएं। एक नेक्स्ट पॉइंट है मुझे लगता है गोरखा भर्ती भी, क्योंकि गोरखा जो है भारत के लिए बहुत बड़ी शान है और नेपाल के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन कल्चरल रिलीजियस हिस्टोरिकल, क्योंकि वो 25% से डर के तो नेपाल से ही लोग नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे वो 75% कहाँ अब्जॉर्ब होंगे, अगर हम उनको भरोसा दिलाएंगे, और मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है इस चीज में, करके कुछ ना कुछ करें कि नेपाल की भर्ती, इसके संकेत आ गए हैं, इसके संकेत आ गए, बहुत जल्दी एक बड़ी बैठक होने वाली है और जितने भी नियम बनाए गए हैं उनमें बड़ा परिवर्तन होने वाला है, समय का अभाव है, माफी चाहता हूँ, सभी लोगों का शुक्रिया भी करना चाहता हूँ इस मसले पर हमसे चर्चा कर रहे थे। फिलहाल आंकड़े मारे फैसला आपका मैं इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत।